अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने आप सामान में रखे, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। जैसे कि मैंने आप भाइयों को बताया था, कबूतर को झाड़ से, जब झाड़ हमने खिला दिया, हर चीज़ खिला दी, अब कबूतर की हम तैयारी कर रहे हैं कबूतर को उड़ाने के हवाले से वीडियोज़ बता रहा था मैं आप भाइयों को। तो इसी तरीके से मैंने आप भाइयों को एक पानी शेयर किया था, जैसे मैंने आप भाइयों को बाजरे का छिकनाव बताया था, कबूतर को बाजरे का छिकनाव से हम साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद साफ का पानी बताया था, उसके बाद जानदारी छिकनाव बताया, फिर उसके बाद फिर एक छिकनाव बताया, तो फिर एक पानी बताया। तो पानी के साथ, वो पानी के बाद आपने फिर एक छिकनाव देना है, तो वो छिकनाव से इंशाल्लाह आपका कबूतर चलना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने पानी बताया था भाइयों को, पानी से आपका कबूतर चल चुका होगा, जिस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फिर उसी तरीके से आपने चिकनाव देना है, ताकि कबूतर हल्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कबूतर जब आगे शुरू हो जाएगा चलने के लिए, आगे हमारे सीधी वेदी जो बैठे होंगे तो वो तो उठा के लड़ाने के पीछे लग जाएंगे। तो इसी के साथ जो है, पानी लगाने के बाद हमने अपने कबूतर को चिकनाव देना है। तो वो चिकनाव में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपने नोट फरमानी है। इसी तरीके से मैं आगे भी आप भाइयों को खेल बताता जाऊंगा, ताकि आप भाइयों के कबूतर अच्छे होते जाएं और आपको मज़ा आता जाए। तो अब पानी के बाद चिकनाव देना है, तो चिकनाव की चीज़ें जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ बने रहना, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना। जो चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको हर वक्त मिलती जाए। और दूसरा मेरा एक और चैनल है पैरेट वर्ल्ड बर्ड्स के नाम से, उस पर भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ खेल पानी की। तो उसमें भी जो है खेल, अभी इंशाल्लाह और मस्जिद एक खेल आप लोगों के साथ ठंडे पानी का शेयर किया था। जिस भाई को ठंडे पानी की वीडियो देखनी है तो उस चैनल पे विजिट करें, इंशाल्लाह उस चैनल पे भी आपको खेल पानी मिलेंगे और ठंडा पानी भी मिलेगा। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और टाइटल में भी आपको डाल के दे दूँगा, ताकि आप आसानी से उस चैनल पर विजिट करें। तो अब चलते हैं किस्से की तरफ, जो चिकनाव का हमने तैयार करना है, ठीक है। तो मैं मिसाला बताऊंगा भाइयों को, और ये चिकनाव आप बाजरे में देंगे, ठीक है, दूध के पके हुए बाजरे में देंगे, और ये 50 कबूतरों का खेल पानी है, ठीक है। तो मिसाला बताऊंगा, मिसाले में क्या क्या चीज़ें लेनी है, वो सारी चीज़ें आपने पाउडर बना लेना, पाउडर बना के फिर आपने बाजरा पका लेना है। बाजरा पका के एक पाव बाजरा ले लेना, एक पाव दूध ले लेना, उसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई चूल्हे पर रख के पका लेना, और बाजरा जो है वो चलना नहीं चाहिए। फिर उसके अंदर आप मसाला डालेंगे, फिर न्यूट्रॉन मक्खन जो है आप 50 ग्राम वाला लेके आएंगे, उसका आधा पीस करेंगे, आधा पीस करके आप वो ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, ठीक है। तो अब मसाला बनाने का तरीका बताते हैं आपको, क्या क्या चीज़ें लेनी है, वो सारी चीज़ें आप नोट फरमा लें, और साथ ही मैं स्क्रीन में भी पिक्चर देता जाऊँगा। सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है आंवला हल्दी। आंवला हल्दी का आपने एक काले चने के बराबर टुकड़ा लेना है, एक काले चने के बराबर, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना, एक काले चने के बराबर टुकड़ा लेना है। उसको पीस के उसका अच्छे तरीके से पाउडर भी बना लेना है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ आपने लेनी है हड़, ठीक है, आपने लेना है हड़। हड़ भी आपने इतना ही लेना है जितना टुकड़ा आपने आंवला हल्दी का लिया होगा, उतना ही बड़ा टुकड़ा आपने हड़ का लेना है, ठीक है। इसको भी अच्छे तरीके से इमाम दस्ते में डाल के पीस लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, तीन काली मिर्ची लेनी है, ज़्यादा नहीं, तीन एक दाने काली मिर्चों के लेने हैं। इसको भी बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेना है, इसको भी आपने इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद आपने लेनी है पांच दखनी मिर्ची, पांच एक दाने लेने हैं दखनी मिर्चों का, ठीक है, उसको भी बिल्कुल बारीक से पाउडर बना के आपने ये भी रख देना है। उसके बाद आपने लेना है तीन चने बराबर, तीन चने बराबर आपने लेनी है मिश्री, ठीक है, तीन चने बराबर मिश्री लेनी है आपने। मिश्री को भी इसी तरीके से आपने पाउडर बना लेना है। उसके बाद अगली चीज़ आपने लेनी है पीपल, पीपल का इतना बड़ा टुकड़ा लेना है आपने, ये देख रहे हैं हमारे फिंगर में जो इतना निशान है ना, पहला निशान, इतना बड़ा आपने एक पीपल का टुकड़ा लेना है। उसको भी इसी तरीके से आपने पीस के तैयार करके उसको भी आपने शामिल कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आप भाइयों को बताई हैं पाउडर, ठीक है, ये सारा पाउडर आपने बना लेना है, बना के इसको आपने इसके साथ
के चिकनाव के ऊपर आपने शामिल कर देना है। ठीक है, तो आपने इसके साथ खमीरा मरवरीद भी ऐड करना है। लेकिन जब आप बाजरा पका रहे होंगे ना, जब आप बाजरा पका रहे हैं तो उसी टाइम दूध के अंदर आपने खमीरा मरवरीद शामिल करना है। शामिल करके फिर बाजरा डाल के इसको पका लेना है आपने। फिर उसके बाद जो मसाला बताया भाइयों को, वो मसाला जो है आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो फिर ये आपका चिकनाव बाजरे का तैयार हो जाएगा। फिर आप ये बाजरे का चिकनाव अपने परिंदे को देंगे, इंशाल्लाह इस चिकनाव से आपका कबूतर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और जिस तरीके से आपका कबूतर उड़ रहा होगा तो उसी तरीके से और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो ये वीडियो आप भाइयों को अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में अपने सलीम भाई को याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।